देखिए, ये बदल रहे भारत की तस्वीर और बेहतर बनेगी। चुनाव के खर्च का जो भीमकाय आकार है उसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होंगे। समय समय पर चुनाव की वजह से योजनाओं की जो निरंतरता है वो बाधित होती रहती थी, उन्हें भी निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जा सकेगा और इससे भी राजकीय कोष पर काफी जो उसका लाभ है वो कहीं ना कहीं राजकीय कोष को उसका मिल सकेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि इससे समय पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, जो जिन अर्धसैनिक और राज्य पुलिस बल की तैनाती होती है, वो भी बेहतर और सुचारू तरीके से इसे किया जा सकेगा। कुल मिलाकर के ये एक कालजयी निर्णय है और कैबिनेट के इस फैसले से अब यह मार्ग प्रशस्त हो गया है कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भविष्य में जब होंगे तो एक साथ कराए जाने का रास्ता तय हो गया है। देखिए, ये 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका समर्थन किया है, 15 पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ रहे हैं। जो राजनीतिक परिदृश्य है बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद की मंजूरी बेहद आवश्यक होगी, लेकिन पर्याप्त संख्या में जो संसद में जो इस बिल को पास कराए जाने की आवश्यकता होगी, ट्रेजरी बेंच उसके लिए सक्षम है।